रियल मैड्रिड वर्सेस एटलांटा भाई, ये गेम कल रात को होने वाला है एंड दिस विल बी प्लेड एट एटलांटाज होम। और ये मैच भाई स्पेशली फॉर रियल मैड्रिड बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से रियल मैड्रिड इसी स्टेज पर बाहर गई है इन द चैम्पियंस लीग, पहले आयक्स एंड फिर मैनचेस्टर सिटी से हार कर। बट भाई सिर्फ यही बात नहीं है, इवन द अदर स्पेनिश टीम्स इन द चैम्पियंस लीग दैट इज बार्सिलोना एंड सविया ने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं पुटअप की है अभी तक के लिए। तो रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड जो खेल रही है, दैट इज एथलेटिको टुनाइट, जिसका हम लाइव वॉच अलोंग करेंगे, एंड रियल मैड्रिड जो कल रात को खेलने वाली है, इन दोनों टीम्स का बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है ये। तो भाई जरा सा बात करते सबसे पहले भाई कि एटलांटा से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड हाउ कुड दिस गेम पैन फॉर रियल मैड्रिड। तो भाई एटलांटा फिर से मेरे हिसाब से एक 3-4-1-2 ही खेलेगी। आप देख सकते हो कि भाई ये मेरे हिसाब से शायद तक एक स्टार्टिंग लाइनअप इनकी कुछ ऐसी होगी, एंड आई फील दैट ऑब्वियसली दे आर अ वेरी एक्सपांसिव टीम, उनको बॉल रखने में मजा आता है, दे लाइक प्लेइंग विद द बॉल, दे लाइक स्कोरिंग गोल्स, एंड बहुत एक्साइटिंग टीम है ये, देर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड दे आर अ ग्रेट स्क्वाड एंड उनका फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है करेंटली। आउट ऑफ द लास्ट 5 गेम्स उनने सिर्फ एक ड्रॉ किया है एंड दे हैव 4 विन्स। लास्ट गेम दे वन 4-2 अगेंस्ट नापोली एट होम। तो भाई दिस इज नॉट रियली अ गुड साइन फॉर रियल मैड्रिड, खासकर ये याद करते हो कि भाई हमारे पास इंजरी लिस्ट हमारी कितनी बड़ी है। तो भाई अगर मैं रियल मैड्रिड की इंजरी लिस्ट पढ़ू तो इट्स लिटरली लाइक अ क्रिसमस शॉपिंग लिस्ट, इतने सारे यहाँ पर नाम है, सर्जियो रामोस, करीम बेंजेमा, मार्सेलो, ओद्रिजोला, एडन हजार्ड, रोड्रिगो, वेलवाडे, डानी कारवाहाल, एडम मिलिटाओ, भाई मीन्स एटलीस्ट 6-7 फर्स्ट टीम प्लेयर्स हमारे इंजर्ड है एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो सब्स्टिट्यूट से आकर लिटरली कुछ इफेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है ऑन द बेंच अदर देन इसको। वी हैव यंग प्लेयर्स जो रिजर्व स्क्वाड से प्रमोट होकर यहाँ पे आए, जो जनरली थर्ड डिवीजन में खेलते हैं, नो ऑफेंस टू देम, बट भाई अरिबास इज नॉट रियली द प्लेयर जो हमको चाहिए इन अ चैंपियंस लीग गेम राउंड ऑफ 16, जब इसी स्टेज पर हम पिछले 2 साल से बाहर जाते रहे हैं। अब जरा सा बात करें रियल मैड्रिड के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता, तो आई फील सेम टू सेम लाइनअप होने वाली जो हमने पिछले गेम में देखी थी, नो बिग डिफरेंसेस। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इसको इज गोइंग टू स्टार्ट ओवर एसेंसियो और विनीशियस, बट मुझे लग रहा है कि ये सेम टू सेम लाइनअप होगी। आई अगेन थिंक मारियन इज गोइंग टू स्टार्ट एट द स्ट्राइकर, क्योंकि कौन खेलेगा उसके सिवा और स्ट्राइकर, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस। इसको कुड प्ले फॉल्स ने जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था, बट आई डो नॉट थिंक ऐसा होगा, आई सीरियसली डोंट थिंक ऐसा होगा। नाउ लुकिंग इन टू इट भाई, लुकिंग इन टू इट, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ गेम फॉर रियल मैड्रिड, एंड लाइक एवरी अदर मैड्रिडिस्टा मेरे को खुद डर लग रहा है इस गेम में क्या होने वाला है। ठीक है, अब जरा सा अगर बात करें कि भाई एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरी रियल मैड्रिड से इस गेम में, तो आई थिंक रियल मैड्रिड का मिडफील्ड वुड बी द की हियर, क्योंकि हम जब बहुत बुरा खेलते हैं, हमारा जब डिफेंस बुरा खेलता है, फॉरवर्ड्स बुरा खेलता है, तब भी सिर्फ हमारा कर्तव्य और हमारी मिडफील्ड हमें बचाती है, टोनी, कैजेमीरो एंड मॉड्रिच, यही तीन हमें सिर्फ बचाते हैं उन केसेस में। तो उसके लिए भाई इस गेम में आई थिंक एटलांटा का बहुत बड़ा फोकस होगा कि भाई दे वुड ट्राई टू शट डाउन द रियल मैड्रिड मिडफील्ड। वो लोग चाहेंगे कि मिडफील्ड को हम जितना ज़्यादा हो सके न्यूट्रलाइज करें, इसलिए आई एक्सपेक्ट देम टू प्ले द 4-3-4-2-1 फॉर्मेशन, जिससे कि वो मिडफील्ड में एक डोमिनेंस क्रिएट कर पाए, क्योंकि दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर देम टू डू अगर उनको मिडफील्ड में डोमिनेंस क्रिएट करना है एंड वहां पर विन करना है बॉल्स। अब जरा प्रिडिक्शन की बात करूं तो भाई आई फील इस गेम में, क्योंकि बीइंग एट एन अवे लेग, बहुत मुश्किल होने वाला है रियल मैड्रिड के लिए, एंड हमारे पास कोई बहुत सारे गोल आउटलेट्स हमको नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारा टॉप स्कोरर करीम बेंजेमा इस गेम में नहीं खेल रहा है, एंड एटलांटा एक बहुत अटैकिंग टीम है। तो प्रिडिक्शन क्या होगा रियल मैड्रिड के गेम के लिए भाई, मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से आई फील रियल मैड्रिड इस गेम को ड्रॉ करेगी। आई थिंक द स्कोर इज गोइंग टू बी 1-1, जिससे हम वो एक इम्पॉर्टेंट अवे गोल लेकर वापस आएंगे इन आर होम, जिस होपफुली हम अपने होम पर एक विक्ट्री ले पाए उनके अगेंस्ट, या एटलीस्ट नील नील खत्म कर पाए, ताकि अवे गोल्स के बेसिस पे हम आगे बढ़ पाए। तो भाई विथ दैट सेड एज ऑलवेज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। भाई अगर आप चेल्सी वर्सेज एथलेटिको या फिर रियल मैड्रिड वर्सेज एटलांटा का
लाइव वॉच अलोंग देखना चाहते हो भाई, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल ऑन कर लो, क्योंकि भाई आज रात को भी हम लाइव वॉच अलोंग करेंगे, कल भी लाइव वॉच अलोंग करेंगे। एंड भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, एंड आप वहाँ पे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, डिस्कशंस भी कर सकते हो, मीम्स भेज सकते हो, या फिर आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ हमारे बहुत सारे फुटबॉल फैंस हैं हु लव टू टॉक अबाउट फुटबॉल। नो, कोई वहाँ पर हेट नहीं है, कोई वहाँ पर टॉक्सिसिटी नहीं है। आई फील इट्स वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस, जो आप ज्वाइन करके डिस्कशंस कर सकते हो भाई, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई विद दैट सेड एज ऑलवेज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन दिस इज एफ के आर साइनिंग आउट, बाय बाय।